मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में न्याय मित्रों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में मास्क और सुरक्षित शारीरिक दूरी पर पालन नहीं किया गया, साथ ही सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा। गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने अब तक केवल आम लोगों पर ही केस दर्ज किए हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बड़े लोगों के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। दरअसल न्याय मित्रों ने हाईकोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि 20 सितंबर को कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की संख्या निर्धारित की गई थी। कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सुरक्षित शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन अनिवार्य किया गया है, जबकि राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों के जो भी फोटो जुटाए गए हैं उसमें लोग मास्क लगाए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दलों ने आमजन का जीवन खतरे में डाल दिया है, इसलिए राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति कितने भी बड़ा हो जाए लेकिन कानून उससे बड़ा है। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का आदेश दिया था।